कभी नखलिस्तान देखा है? नहीं देखा तो आ जाओ। यूट्यूब और कंटेंट क्रिएशन की दुनिया बाहर जितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन इसके साथ एक मसला ज़रूर आता है, वो ये कि आपको अपनी पर्सनल स्पेस और प्राइवेट लाइफ को सेक्रीफाइस करके दुनिया को वो दिखाना पड़ता है जो दुनिया देखना चाहती है, और उन लम्हात की अक्सर कुर्बानी देनी पड़ती है जिनमें आप सुकून की तलाश को निकलते हैं। लेकिन जब कुर्बानी बड़ी हो तो फल भी उतना ही खूबसूरत मिलता है। जहाँ तक बात है इस कहानी की, तो मुझे नोमी साहब की कॉल आती है कि बाहर आएँ और अपना ड्रोन साथ लेते हैं, और बस 10 मिनट के अंदर अंदर वी वर रेडी टू मूव आउट टू आर पिकनिक स्पॉट। और देखो, पहाड़ों और झीलों के पास कैंपिंग के चोचले करते होगे तुम लोग, हम रोही के बाशिंदे डेजर्ट में पिकनिक मनाते हैं। प्लान बड़ा सिंपल था, डेजर्ट में तब तक जलील होना है जब तक बारबेक्यू के लिए कोई सूटेबल जगह ना मिल जाए, और हमें उम्मीद से पहले और तवक्को से कहीं ज़्यादा खूबसूरत जगह मिल गई। खैर, हर बंदा अपने कामों में निकल गया, कोई ब्लॉगिंग के लिए और कोई लकड़ियाँ जमा करने। चांद भाई अपनी यूट्यूबिंग करके वापसी आते हुए ये जी किसी दौर में कुआं होता होगा, आजकल ये मेंढकों का घर है। आपने रजा ब्लॉग्स पे हसीन वादियों से लेके बर्फीले पहाड़ों तक के शशके तो बहुत देखेंगे, लेकिन आज मुलायजा कीजिए रेगिस्तान के शशके। हमारे नोमी साहब अजीबोगरीब आवाज़ें निकाल के परिंदों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। सर, ड्रोन काम आएगा। आप लोगों को नहीं लगता कि सब कुछ बहुत स्मूथली हो रहा है? क्योंकि शशका लवर्स जानते हैं कि आरवी के ट्रिप्स एडवेंचर के बगैर इनकम्प्लीट है। तो बस इतनी ही देर में पता चला कि तिक्के जलकर काले हो रहे हैं क्योंकि अज्जू भाई घर से ऑयल लाना भूल गए थे। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं, हमने काफिला रवाना किया जो डेजर्ट में ऑयल या घी ढूंढने गया। सीम्स इम्पॉसिबल ना, तो ये देखें ये नाजरीन डेजर्ट के अंदर, ये पता नहीं कहाँ से इतना घी ने मिल गया फाइनली। तो इस छोटी सी प्रॉब्लम के बाद वी वर बैक इन द गेम। तिक्कों की कंप्लीशन तक सूरज ढल चुका था और डेजर्ट की अजीबोगरीब मखलूकात अपना जलवा दिखाना शुरू हो गई थी। तो बस रोटी तोड़ी और वापसी को रवाना हुए। लेकिन इस ट्रिप से आप लोगों ने क्या सीखा? ये कि चाहे सरसब्ज पहाड़ हों या ठाठे मारते दरिया, हसीन वादियाँ हों या खुश्क रेगिस्तान, कुदरत ने अपने हुस्न का जलवा थोड़ा थोड़ा सब में बांटा हुआ है। बस देखने वाली नज़र होनी चाहिए।
सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. माय नेम इज आवी. आप देख रहे हैं रदा ब्लॉग्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.